नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। अध्यापक की कमी के चलते अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में ग्रामीणों ने स्कूल पर जड़ा ताला। मौके पर पहुंचे पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हरियाणा अपडेट, मैं संजय कोसी की। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा से, जहां गांव पाथेड़ा में विद्यालय में अध्यापक न होने पर गांव के ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय में अध्यापक नहीं है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार के नाम पहले भी एसडीएम करीना को ज्ञापन सौंपा गया था एवं विद्यालय में अध्यापक की बहाली की मांग की गई थी। बावजूद इसके सरकार एवं प्रशासन की ओर से विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था नहीं की गई, तो ग्रामीणों ने स्कूल के विद्यालय पर ताला जड़ दिया। इस विषय में बातचीत करते हुए गांव पाथेड़ा के ग्रामीणों ने कहा कि विद्यालय में अध्यापक नहीं है, जिसके चलते लगातार भविष्य बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। एवं इसी दौरान गांव पाथेड़ा के पूर्व सरपंच रहे दलीप सिंह ने जब तक विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक अपने निजी कोष से विद्यालय में अध्यापक उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार की ओर से विद्यालय में अध्यापक नहीं भेजा जाएगा, वह अपने निजी मद से विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था करेंगे। गांव पाथेड़ा के पूर्व सरपंच दलीप सिंह के द्वारा विद्यालय में अध्यापक की व्यवस्था करवाए जाने के आश्वासन के बाद विद्यालय प्रशासन की ओर से गांव पाथेड़ा के पूर्व सरपंच दलीप सिंह का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे जिला खंड शिक्षा अधिकारी कनीना ने कहा कि जल्द ही विद्यालय के में अध्यापक की बहाली करवाई जाएगी एवं ग्राम के समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। सभी प्रकार की ताज़ा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल हरियाणा अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। क्या प्रॉब्लम बेटा? सर, हमारे स्कूल में 6th to 8th में भी कोई टीचर नहीं है और 9th 10th का भी कोई लेक्चरर नहीं है। किस चीज का लेक्चरर? साइंस का। साइंस कब से नहीं है? ट्रांसफर ड्राइविंग के बाद से। अब कोई भी नहीं पढ़ाता? नो सर। पेपर कब से है? सर, अभी सितंबर के लास्ट वीक से हमारे हाफ ईयरली एग्जाम होने हैं। हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें जल्दी से जल्दी साइंस का टीचर चाहिए। ठीक। क्या नाम है आपका? कौन सी कक्षा के स्टूडेंट? क्या प्रॉब्लम है आपके? टीचर ड्राइंग के बाद हमारे स्कूल में साइंस का टीचर लेक्चरर नहीं है। अब सितंबर के लास्ट वीक में हमारे एग्जाम है। सरकार से निवेदन है कि हमारे साइंस का टीचर जल्द से जल्द उपलब्ध करें। हमारे स्कूल में कोई भी साइंस का टीचर या लेक्चरर नहीं है। अभी हमारे 29 सितंबर से एग्जाम होने जा रहे हैं, परंतु हमारी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। सरकार से हमारा निवेदन है कि हमें जल्द जल्द से जल्द साइंस का टीचर चाहिए। हमारा आप पे बहुत बहुत आभार रहेगा। भावना, किस वजह से आपने स्कूल के बाहर बैठे हो आप? सर, हमारे स्कूल में साइंस का टीचर नहीं है और हमारी सितंबर के लास्ट वीक में हमारे एग्जाम भी हैं और हमारा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, तो हमको साइंस का टीचर चाहिए। हमारे सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमारे स्कूल में जल्द से जल्द कोई साइंस का टीचर या लेक्चरर भेजिए। ठीक। खंड शिक्षा अधिकारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से तालाबंदी की गई है पाथेड़ा गांव स्कूल में हम मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर, जिस तरह से गांव वालों से बातचीत की है आपने, तालाबंदी की गई थी, किस तरह से क्या आश्वासन दिया गया है? सर, हमारी डायरेक्टर साहब की वीसी हुई थी जी पिछले मंडे को जी, तो डायरेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि ये ट्रांसफर प्रक्रिया चल रही है जी, इसमें काफी कुछ एडजस्ट हो जाएगा जी, और अगर फिर भी कोई बचता है तो हम सुगम पोर्टल से जी, या इसका जो रोजगार कौशल निगम है या चाहे जो रिटायर जो है उनको लगा करके जी, या कॉन्ट्रेक्चुअल से जो भी व्यवस्था होगी, हम इस महीने के लास्ट तक सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही कर देंगे। और उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि आप मेरे बिहाफ पे किसी को भी आश्वासन दे सकते हो। सर, अगर पाथेड़ा गांव में बातचीत कर ली जाए तो क्या कुछ किया गया है आज? आज सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने तब तक के लिए जो है एक बच्चे का अरेंजमेंट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम सरपंच साहब का इसके लिए धन्यवाद करते हैं और विभाग जो है आगे इसकी व्यवस्था कर देगा, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हुआ है हमें। खंड स्तर पर बात कर ले तो बहुत से स्कूलों में शिक्षक नहीं है, विभाग इसलिए इस समय जो शिक्षित जो युवा हैं उनकी तरफ देख रहा है, तो किस तरह से जो व्यवस्था है
जो विद्यार्थी वर्ग है उनसे क्या मैसेज या क्या अपील रहेगा, फिर किस प्रकार से एडजस्टमेंट या सहयोग बच्चों का लिया जाएगा? डायरेक्टर साहब ने जैसा कहा है कि इस महीने के अंत तक सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी। ठीक, सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से प्रशासन को पहले ज्ञापन दिया गया था, आज तालाबंदी स्कूल की गई है, अधिकारी की ओर से क्या आश्वासन मिला है? हमारे बीओ साहब ने हमारे से आश्वासन दिया है कि आने वाले एक महीने में हम विज्ञान के टीचर की व्यवस्था स्कूल में करके देंगे। तब तक बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? तब तक बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अपने कोर्स से, मैं अपने निजी कोर्स से, एक हमारे गांव का अजय नाम का लड़का है उसको वो विज्ञान पढ़ाया गया, उसका मैं अपने निजी कोर्स से उसको पैसे दूंगा।